1906 में आज ही के दिन ढाका सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार ने शिमला में मुस्लिम लीग की संरचना का विचार पैदा कर फूट डालो और राज करो की नीति से कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलन को कमजोर कर दिया। ढाका के नवाब आगा खां और नवाब मोहसिनुल हक के नेतृत्व में भारतीय मुस्लिमों के अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्लिम लीग का गठन किया गया। 1908 में लीग के अमृतसर अधिवेशन में सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसे ब्रिटिश सरकार ने 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के जरिए पूरा कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश भारत को हिंदू व मुस्लिम राष्ट्रों में विभाजित करने की मांग वाले आंदोलन का नेतृत्व किया और 1947 में पाकिस्तान के गठन के बाद मुस्लिम लीग पाकिस्तान की प्रमुख राजनीतिक पार्टी बन गई। 1922 में आज ही के दिन USSR यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की स्थापना हुई थी। करीब 7 दशकों तक एक बेहद शक्तिशाली कम्युनिस्ट राष्ट्र के रूप में सोवियत संघ का अस्तित्व रहा। रूस की क्रांति के बाद USSR की स्थापना हुई थी, जिसमें रूसी संघ, बेलारूस, यूक्रेन और ट्रांस कॉकेशियन फेडरेशन के सदस्य देश शामिल थे। सोवियत यूनियन दुनिया भर में मार्क्स के साम्यवादी सिद्धांतों पर आधारित पहला राष्ट्र था। USSR में सरकार का पूरा नियंत्रण कम्युनिस्ट पार्टी और उसके पोलित ब्यूरो के हाथों में था। पोलित ब्यूरो के महासचिव का पद सबसे शक्तिशाली पद था, जो शासन का कार्यभार संभालता था। जोसेफ स्टालिन USSR के पहले महासचिव थे। 1922 में स्थापना के कुछ दशक बाद रूसी आधिपत्य वाला सोवियत यूनियन दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता बनकर उभरा। 1991 में कम्युनिस्ट सरकार के पतन के साथ ही सोवियत यूनियन भी खत्म हो गया। 1971 में आज ही के दिन भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाने वाले डॉक्टर विक्रम साराभाई का निधन हुआ था। साराभाई संस्थानों के निर्माता और संवर्धक थे और PRL इस दिशा में पहला कदम था। विक्रम साराभाई ने 1966 से 1971 तक PRL की सेवा की। वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने अहमदाबाद के उद्योगपतियों के साथ मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में प्रथम रॉकेट प्रमोचन केंद्र की स्थापना में डॉक्टर साराभाई का समर्थन भी किया था। डॉक्टर साराभाई ने भारतीय उपग्रहों के संविरचन और प्रमोचन के लिए परियोजना शुरू की, जिसकी वजह से 1975 में भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को रूसी कॉस्मोड्रोम से कक्षा में स्थापित किया गया। 1975 में आज ही के दिन मशहूर हिंदी कवि और गजलकार दुष्यंत कुमार का निधन हुआ था। दुष्यंत कुमार ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ दिन आकाशवाणी भोपाल में असिस्टेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वास्तविक जीवन में दुष्यंत बहुत सहज और मनमौजी व्यक्ति थे। दुष्यंत का पूरा नाम दुष्यंत कुमार त्यागी था। शुरुआती दिनों में दुष्यंत कुमार परदेसी के नाम से लेखन करते थे। इन्होंने सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, छोटे छोटे सवाल और दूसरी गद्य और कविताओं की रचना की। दुष्यंत कुमार ने देश के आम आदमी की भाषा को अपनाया और उसके जरिए अपने दौर का दुख दर्द पेश किया। व्यवस्था में बदलाव की पुकार करने वाली उनकी कुछ पंक्तियां आज भी युवाओं में जोश पैदा कर देती हैं। और 2006 में आज एक दिन इराक के शासक सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। उन पर 1980 के दशक में दुजैल शहर के 138 शिया मुसलमानों की हत्या करवाने का आरोप था। दुजैल शिया दावा पार्टी का गढ़ माना जाता था और उस वक्त वह सद्दाम हुसैन के शासन का विरोध कर रहे थे। 2003 में अमेरिका ने इराक पर खतरनाक हथियार रखने का आरोप लगाते हुए हमले का आदेश दिया। अमेरिकी सैनिकों ने देश के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया। 2003 को अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की कि सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिरासत में रहने के करीब एक साल बाद सद्दाम पर औपचारिक आरोप लगाए गए और उन्हें दुज्जैल हत्याकांड का जिम्मेदार ठहराया गया। करीब एक साल की कार्रवाई के बाद 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी की सजा सुनाई गई।